हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो या आप ऑलरेडी यूट्यूब पर हो, तो आप इन पांच तरीके से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको ये पांच तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप यूट्यूब पर अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले तो है YouTube मोनेटाइजेशन, जो YouTube की एल्गोरिथम है, YouTube का जो क्राइटेरिया है, 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स, ये अगर आपके हो गए तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब मोनेटाइज कैसा होगा उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, कोई रीयूज कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, तभी जा करके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप दूसरे की वीडियो डालोगे तो भाई रीयूज कंटेंट में उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपका चैनल को एक्सेप्ट नहीं करेगा यूट्यूब। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आप कंटिन्यू यूट्यूब पर वर्क करते हो, तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर आपने एक निश चुन लिया कि हाँ मेरे को तो इस निश पर ही काम करना है, तो भाई आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। दूसरा जो सोर्स है अर्निंग का एफिलिएट मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का ये है, जैसा मैं कोई रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ या कोई कैमरा यूज़ कर रहा हूँ या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसका एक एफिलिएट लिंक बनाऊंगा और अपने डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक को ऐड कर दूंगा। तो जब मैं आपको बोलूंगा कि भाई जैसा मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ या जो मैं रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर बाय करना चाहो तो भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर उसका लिंक है, जाकर के उसको आप बाय कर सकते हो। तो जैसे ही आप उसको बाय करेंगे तो मेरे को उसका कुछ परसेंट कमीशन मिल जाएगा। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो अगर आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं आपकी वीडियो पे, तो आपका एफिलिएट मार्केट एफिलिएट से भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो मंथली। अभी मैं चलता हूँ तीसरे सोर्स की ओर, वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप से तो इतना कमा सकते हो आप जितना आप यूट्यूब से भी नहीं कमा सकते भाई। अगर आपके 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं या 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, रेगुलर व्यूज़, मतलब आपकी वीडियो पे एवरेज व्यूज़ जो रहते हैं, मतलब 10,000 है या 20,000 है या 50,000 है, मतलब तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके 100 व्यूज़ भी रेगुलर आ रहे हो ना भाई, आप भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था स्पॉन्सरशिप कैसे लें, आप आई बटन में जाओ और देखो वो वीडियो के बारे में कि मैंने कैसे बताया था कि आप 100 व्यूज़ पे भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई आप मत लेना स्टार्टिंग में, क्योंकि व्यूज़ ही डाउन हो जाते हैं स्पॉन्सरशिप से। जब आपके अच्छे खासे व्यूज़ आते हों और आप अच्छी खासी एप्लीकेशंस का रिव्यू कर रहे हो और बेनिफिट हो सकता है कुछ लोगों का, तभी आप उसका रिव्यू करें। क्योंकि भाई पैसों के चक्कर में भाई बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मिस्टेक हो जाती है, आपके चैनल्स भी हैक हो जाते हैं। चैनल्स हैक होने से भी मैंने बचने का तरीका बताया था, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, चैनल हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो वो भी आप जा करके देखना कि भाई अगर आप कुछ गलत एप्लीकेशंस का प्रमोशन करते हो तो आपका चैनल हैक हो जाता है, मैंने प्रॉपर बचने का तरीका बताया है। तो ये था तीसरा। अब मैं आपको चलता हूँ चौथे पॉइंट्स की ओर लेकर के, वो है रेफरल अर्निंग से। जैसा आप कोई एप्लीकेशंस का प्रमोशन करते हो, लाइक दिस, आपने वजीर एक्स का प्रमोशंस किया और वजीर एक्स में जितने भी कॉइन्स वगैरह हैं या जितने भी, मतलब आपने अगर आपके थ्रू कोई, मतलब आपके रेफरल से कोई आप उसको इंस्टॉल करेगा और उसमें अपना अकाउंट ऐड करेगा, मतलब प्रॉपर उसकी जो उसकी डिटेल है वो कंप्लीट करेगा और वजीर एक्स को ट्रेडिंग करना शुरू करेगा, तो भाई उसके रेफरल से आपको अर्निंग होगी। अगर आपके रेफरल से 100 लोग उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, तो भाई उसके रेफरल से आपको काफ़ी अमाउंट मिल सकता है और मिलता भी है और लोग कमा भी रहे हैं उससे अच्छा खासा। अब मैं आपको चलता हूँ एक पांचवें पॉइंट की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करके उस पर ब्लॉग्स लिख करके वहाँ पर आप अपनी जो YouTube की ऑडियंस है उसको आप अपनी वेबसाइट्स पे लेकर आ सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वेबसाइट्स कोई रीड करेगा या जो उस पर एड्स आएंगे, तो आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो भाई अपनी वेबसाइट्स पर ब्लॉग लिख करके, अपने आर्टिकल्स लिख करके, वहाँ से भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको पाँच सोर्स बताए हैं। अगर आप यूट्यूब पर हो तो भाई इन पाँच सोर्स को फॉलो करो और अर्निंग करो भाई यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा। और एक लास्ट पॉइंट है, वो सिक्स पॉइंट है, वो मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो कि ज्वाइन बटन मेंबरशिप।
ज्वाइन बटन मेंबरशिप से भी आप अर्निंग कर सकते हो। ज्वाइन बटन मेंबरशिप के बारे में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि क्या होता है और कैसे मिलती है और किन को मिलती है और क्या बेनिफिट होता है उससे हमारा और दूसरे लोगों का। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये 5 पॉइंट्स मेरे अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।